बोलेरो गाड़ी में शव पड़ा देखकर मचा हड़कंप। जिला बिजनौर में किसी व्यक्ति द्वारा सूचना दी गई कि एक सफेद बोलेरो गाड़ी बड़ी नहर बुंदकी रोड पर खड़ी है, जिसमें एक आदमी मृत अवस्था में पड़ा है। थाना प्रभारी व क्षेत्राधिकारी नजीबाबाद द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच की गई तो एक व्यक्ति अपनी ड्राइवर सीट पर मृत अवस्था में पड़ा है तथा उसके सीने में बाईं ओर गोली लगी है। गाड़ी में ही एक तमंचा 15 बोर पड़ा है। गाड़ी नंबर व गाड़ी में मिले कागजात के आधार पर मृतक युवक की शिनाख्त अमित वर्मा पुत्र हितेश वर्मा निवासी मोहम्मद सुभाष नगर निकट गुरुद्वारा थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर उम्र करीब 28 वर्ष के रूप में हुई है। परिजनों को सूचित कर दिया गया है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया जा रहा है। जनपद की फोरेंसिक टीम व डॉग स्क्वाड द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए गए। अमित वर्मा जो नजीबाबाद कस्बे के रहने वाले हैं, अपने चाचा की बोलेरो गाड़ी जो बिजनौर नंबर की गाड़ी है लगभग शाम को 4 से 5 बजे के बीच में निकले हैं और बिंदकी रोड पर जो नजीबाबाद से 6-7 किलोमीटर की दूरी पर एकांत में गाड़ी करीने से साइड में लगा करके उनके लेफ्ट साइड में एक फायर आर्म इंजरी है, तमंचा पड़ा हुआ है। प्रथम दृष्टया जो देखने से लगता है कि 12-14 घंटे पहले इनकी मृत्यु हुई, क्योंकि चीटियां भी इनके देह पर है। घर वाले अभी पहुंचे नहीं हैं। इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि घटनास्थल का जो वाकया उसको देख करके क्या हो सकता है कैसे हो सकता है इसके बारे में जांच पड़ताल की जा रही है। फॉरेंसिक टीम एसपी सिटी क्षेत्राधिकारी थानाध्यक्ष चौकी इंचार्ज डॉग स्क्वाड सभी टीमें यहां पर मौजूद हैं।